चलिए शुरू करते हैं रूम टूर। वेलकम टू माई रूम टूर। तो ये मैंने बड़ी क्या प्यारे से जो है ना यू नो मिरर्स ऑनलाइन ऑर्डर करके मैंने प्यारे से जो है मिरर्स लगा दिए अपने यू नो डोर पे टू मेक इट लुक अ लिटल क्लासी और बहुत अच्छी सी यू नो वाइब दे रहा है थोड़ी। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर दिया क्योंकि मेरा मिरर बहुत वो मेरा जो डोर था हेलो तो मेरा जो डोर था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था तो इसलिए मैंने ये मिरर्स लगा दिए ताकि जो है वो थोड़ा सा यू नो वो लगे कि जो नया डोर बना था बहुत कॉस्टली हो रहा था। गर्मी बहुत हो रही है आजकल। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर सुपर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय रूम। वेलकम टू माय रूम टूर। और बस किसी बिना बात करे बिना आप लोगों को बस जल्दी से मैं रूम दिखाती हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी रूम की रेनोवेशन करवाई है, अपने रूम को चेंज करवाया है। तो लेट्स गेट इनटू माय रूम। ताड़ा। तो सबसे पहले जब आप आते हैं मेरे रूम में तो सबसे पहले आपको बिल्कुल डोर से एंटर होते ही आपको देखेंगे ये चीज। ये मैंने क्यूट लिटिल शेल्फ जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था जिसपे मेरी पुरानी बहुत पुरानी फैमिली फोटो रखी हुई है जिसमें जी और अलियान अभी मिसिंग है लेकिन ये हम सब है। उस टाइम पे जो है ना कैमरा फ्लैश से होता था तो इसलिए मम्मा और थोड़े ब्लैकआउट हो गए, बाकी हम चार बहन भाई यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वैसे हम छह हैं। नेक्स्ट इज दिस क्यूट यू नो क्या कहते हैं क्यूब ऑफ शाफ सा जिसको आप अरेंज करते हो तो पूरा शाफ सा लिखा हुआ है एंड इसमें मेरी और शेर की सारी पिक्चर्स है एंड दिस इज क्यूट लिटिल कैलेंडर एंड ये थ्री जो है मेरी पेंटिंग्स हैं जो मैंने शुरू किया था जब पेंटिंग बन करना तब मेरी ये पहली बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। तो बस मैंने इनको यहाँ सजा दी क्योंकि अभी शोपीस मैंने ऑर्डर किए हुए थे तो उनको आने में अभी टाइम है लेकिन मैं जल्दी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाऊं, जल्दी जल्दी अपना रूम टूर दूं। और फिर आते हैं इस वॉल पे। तो ये वॉल जो है डोर तक बंद कर देती हूँ फिर आप लोगों को मेरी वॉल पूरी दिखेगी। तो ये वॉल जो है वो मेरी मेरे खालू और मेरी बहन दोनों ने मिलकर जो है पेंट की थी अपने हाथों से। अगर आप लोग समझते होंगे कि ये वॉल पेपर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वॉल पेपर नहीं है, ये मेरी बहन और मेरी खालू ने अपने हाथ से ना टेप लगा के अंदर पेंट करके सारे पेंट्स ये सब उनका आइडिया था और ये उन्होंने बहुत मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये वॉल वैसे ही रहने दी। और इस बस ये मेरी शुरुआत, आप जब आओगे तो फिर उसके बाद आपको दिखेगा मेरा प्यारा सा बेड। तो ये मेरा प्यारा सा बेड है जो कि मैंने बहुत सोच समझ के बनवाया। पीछे मेरा प्यारा सा टेडी बियर बैठा हुआ है, उसी टेडी बियर की जगह ना मैं डिसाइडेड नहीं हो पा रही है कि मैं उसको कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, तो मैंने अभी उसको वहीं बिठा दी क्योंकि अगर मैं यहाँ रखती हूँ ना तो हर कोई आके उसके ऊपर बैठ जाता है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें। प्यारा सा ग्रे कलर का बेड है, मैं ये वाइट नहीं करवाया क्योंकि भाई बच्चे होते हैं बच्चे गंदे कर देते हैं चीज, और खासतौर पर बेड जो कपड़ा होता है ना वाइट वो जब गंदा होता है ना हल्का सा भी यू नो गंदा हो जाए तो बहुत ऐसा लगता है कि सदियों से उसकी धुलाई नहीं हुई। और ये आप करीब लाएं दिखाएं इसका टेक्सचर, इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इसके ऊपर ये प्यारा प्यारा सा प्रिंट भी हुआ है हल्का हल्का सा ग्रे और ब्लैक, इसके ऊपर ग्रे है और इसके ऊपर ब्लैक लाइन बनी हुई है, टेक्सचर इसका इस तरह से है। और ऊपर जो है ये प्यारा सा जो है मैंने फ्रेम रख दिया था जिसपे जो है 21 जनवरी 2021 जो कि शाहफ़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है तो उसकी जो स्टार्स की लोकेशन थी उस दिन वो ये फ्रेम्ड आउट है। अब मुझे थोड़ा बेड पे चढ़ना पड़ेगा। फिर ये आता है नियॉन साइन नेवर गिव अप जो कि एक मोटिवेशनल कोट है मेरे लिए कि गिव अप नहीं करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़े डोंट गिव अप। देन आते हैं इस प्यारे से स्केच की तरफ, फिर उसके बाद ये दो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये मेरा स्केच है एंड देन दीज टू पेंटिंग्स, ये फार्म हाउस की पिक्चर है, पहली मेरी पिकनिक थी दोस्तों के साथ उसकी पिक्चर है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर मेरे रूम में ना हो ना तो मेरा जो है ना जैसे कहते हैं ना सांस नहीं आती अपने रूम में, इसकी ये चीज़ें निकल जाती हैं बहुत जल्दी क्योंकि बिल्कुल लाइक लोकल चीज़ है एक, लेकिन ये मेरे लिए कहते हैं ना जैसे लोग लगाते हैं ड्रीम कैचर वगैरह, मैं इसको लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि सुकून
देता है एक ये चीज। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मोज बैट के बारे में, जो कि है एक इंटरनेशनल कंपनी और 80 से ज्यादा मुल्कों में ये काम कर रही है और इसके करोड़ों से भी ज्यादा यूजर्स हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, जैसे पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप लोग उनको टूर्नामेंट्स को देख भी सकते हैं और उन टूर्नामेंट्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो जहां बात आई पैसों की, तो मैं आप लोगों को बता चलूं यहाँ पे जो है कैश विदड्रॉ करवाना या डिपॉजिट पे बनाना बहुत इजी है। आप इसी पैसा और जस्ट कैश की मदद से ये करवा सकते हैं। प्रोमो कोड जो कि ये है, अगर आप लोग इसको यूज करके साइन इन करेंगे तो आप लोग जीत सकते हैं 50,000 रुपए। तो जल्दी से जाएं, कमेंट बॉक्स में जो है लिंक जो है पिन हुआ हुआ है उसको क्लिक करें, साइन इन करें और जीते। फर्नीचर में कुछ ना कुछ सरप्राइजेस हैं, तो आइए मैं आप लोग को अपने बेड का सरप्राइज दिखाती हूँ। मेरे बेड के नीचे है एक और बेड, बहुत अच्छा सा सिंगल बेड है और इसके ऊपर मेरी जब दोस्तें वगैरह आती हैं या मेरी बहन को सोना आता है कभी कभी नीचे, तो वो ये खोल के, अभी मैं पूरा खोल के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा मैट खराब हो जाएगा। तो ये है मेरे बेड का सरप्राइज। अभी आगे आगे आप लोगों को मेरे पूरे फर्नीचर के सरप्राइजेस पता चलेंगे। मैंने बहुत ना मेरे सोच समझ के एक चीज के अंदर दूसरी चीज इवॉल्व करवा दी ताकि स्पेस कम हो और मुझे चाहिए होता थोड़ा अच्छा सा रूम। ये है मेरा प्यारा सा टीवी एरिया और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे RGB लाइट्स मैंने लगा दी है। मैंने यहाँ पे लगाई क्योंकि थोड़ा ना अंदर को भी हो जाएंगे और अच्छी भी लग रही थी यहाँ पे लगी हुई। तो ये है मेरा प्यारा सा टीवी एरिया, यहाँ पे मैंने एक प्यारी सी जो है ना ये रखा हुआ है, इसमें वॉलनट्स हैं ताकि अगर आपको स्नैक्स वगैरह चाहिए हो तो ये मैंने पता नहीं क्यों ये बाहर से उठा के मैं ले आई थी, अभी मैं खा रही थी तो यहीं रख दिए मैंने क्योंकि मैं टीवी देखते बैठी थी। यहाँ पे मेरा टीवी की डिवाइसेस और इसका रिमोट वगैरह रखा हुआ है। देन वी हैव दिस क्यूट लिटिल पेंटिंग, ठीक है ये मैंने और अलियान ने, इसके पीछे की एक स्टोरी है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये पूरी पेंटिंग मुझसे खराब हो गई थी तो हमने इसके ऊपर पूरा ब्लैक पेंट करके पत्ते ला के पत्तों पर कलर करके हमने चिपका दी, मेरी और अलियान की साथ मिलकर हमने पेंटिंग बनाई। तो ये मैंने ऐसे यहाँ पे रख दी क्योंकि अभी इसको वॉल माउंट करना है। नेक्स्ट चलते ऊपर, तो ऊपर जो है मेरे सारे दोस्तों वगैरह के फोटो फ्रेम्स हैं, कुछ मेरे हैं कुछ मुझे फैंस, मेरी एक फैन ने मुझे ये क्यूट सा कार्टून का पू का जो है मुझे दिया था ये फ्रेम, ये अलवीरा का फ्रेम है जो मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। और बाकी पीछे मेरे और भी दोस्त हैं जिनके फ्रेम्स हैं, आमना का फ्रेम है, अदीना का फ्रेम है और भी दोस्तों का फ्रेम है हाँ। तो और ऊपर जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने प्यारे से कैबिनेट्स लगवाए थे क्योंकि इनमें मैं वो चीज़ें रख सकूं, वो कपड़े रख सकूं जो कि मैं रोज नहीं पहनती लेकिन हाँ शादी के टाइम पे सर्दियों में ऐसे कपड़े मैंने ऊपर इसलिए बनवाए क्योंकि अगर आप लोग जो है अपने स्टोर रूम्स वगैरह में कैबिनेट्स बनवाते हो तो मैं ना ये हो रहा होता है कि कौन ऊपर चढ़े, यहाँ पे तो ये है कि आप बेड पे चढ़े यूं खोला और अपनी चीज निकाली या छोटी सी चेयर रखी और निकाली। तो मैंने ये सामने को अपनी, अब मैं आप लोग को अपना टीवी एरिया का सीक्रेट दिखाती हूँ। तो अगर आप लोग अगर इस डोर को यूं स्लाइड करें तो वहां से आप लोगों को मेरी वार्डरोब खुलती हुई नजर आ रही होगी। ये है मेरे सारे वेस्टर्न क्लोथ्स और ये भी है सारे मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं वार्डरोब टूर करवाऊंगी। और ये है दूसरा दरवाजा और ये है मेरे सारे ईस्टर्न कपड़े जो कि अभी थोड़े बहुत खराब हो, देख सकते हैं। इसका सीक्रेट ये है कि इसमें आपको टीवी भी मिल गया और इसमें वॉर्डरोब भी मिले। देखें अगर आप ये डोर साइड करते हैं आपकी वॉर्डरोब ऊपर नीचेगा, टीवी हाइड हो जाएगा और अगर आप वापसी डोर साइड ऑफ करेंगे तो आप लोग को अपना प्यार से टीवी देखने को मिल जाएगा। तो ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मुझे अलग से टीवी की जगह नहीं समझ में आ रही थी कि मैं कहाँ करूँ, तो मैंने इसके अंदर वार्डरोब और टीवी मिक्स आउट कर दिया। नीचे मेरी टीवी के प्यारी सी दो ड्रॉजर्स हैं जिसमें मैंने अपना सारा हेयर एसेसरीज, मेरा वॉलेट जो कि मैं लेके जाती हूँ तो सामने को ही रखा हुआ है। यहाँ पे मेरी कुछ हेयर एसेसरीज है, फोन कवर्स रखे हुए हैं, थोड़ी बहुत फोन की चीज़ें हैं, माइक है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ रख दी। नीचे जो ड्रॉज है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये है ओ ये है जी प्यारा सा मेरा शू एरिया। ये दो ड्रॉज़ मैंने बनवाई अपने शूज के लिए, सही है, और इसको आप साइड ऑन करोगे तो पूरी बाहर मतलब आ जाएगी, आपके शूज आ जाएंगे। मेरे शूज खैर इतने नहीं है और ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा दिए। इसके नीचे वाले एरिया खाली हो रहा था तो मैंने उस पर रखवा दिया, आधे सारे कपड़े मैंने ऊपर रख दिए थे। हाँ अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे इस एरिया की तरफ। तो ये एक मैसी सा एरिया जहाँ पे मैंने अपने जो है वेट मशीन रखी हुई, कुछ PRs मुझे आए थे वो मैंने यहाँ रखे, कुछ PRs अलमारी के अंदर भी हैं लेकिन जो आज आए थे वो यहाँ पे हैं।
मेरी यू नो बैक टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर आप बेड पे बैठ के आपको खाना खाना है तो आप बेड पे बैठ के खाना खा सकते हो। स्टैंडिंग आयरन रखी हुई है, ठीक है। और ये मेरी रिंग लाइट है, ट्राइपॉड है, मेरे पास और भी ट्राइपॉड्स है लेकिन वो सब मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिए क्योंकि इतना सामान रखने का फायदा नहीं था जो मैं यूज नहीं करती थी। मैंने सिर्फ दो रख दिए, एक सिंपल ट्राइपॉड और एक रिंग लाइट। और ये पीछे क्यूट सा मेरी और शेरी की पिक्चर्स हैं और मेरी पिक्चर है, शेरी ने मुझे मेरी बर्थडे पे बनवा के दिया था। इसकी भी जगह मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि ये वॉल माउंट होगा तो अगर ये बहुत भारी है तो मैं सोची थी इसको यहाँ लगा दूँ तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। और ये वाली वॉल आप लोग देख सकते हैं, इधर मेरा यूट्यूब का प्ले बटन है, ये सब आप लोग की बदौलत है। और ऊपर भी मैंने इस प्ले बटन के मिलता जुलता न्यू साइन लगाया हुआ है, हफ्सा फिल्म इज माय हैप्पीनेस। यहाँ पे ये एक विंडो थी जिसको छुपाने के लिए मैंने पर्दे लगा दिए हैं, ये वाले पर्दे पहले भी लगे हुए थे तो मैंने इनको यहीं रहने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरी वैनिटी की तरफ। अब मेरी है वैनिटी की बारी। ये मैंने बहुत सोच समझ के वैनिटी बनवाई क्योंकि मुझे एक यू नो लेंथ क्या कहते फुल लेंथ मिरर भी चाहिए था और मुझे वैनिटी भी चाहिए थी, दोनों चीजें एक सेम टाइम पे चाहिए थी। तो मैंने बहुत सोचा क्योंकि फुल लेंथ मिरर लगाने की मुझे जगह, आप लोग समझ जाएंगे, हर चीज की जगह नहीं मिल रही थी इसको और हर इसने जो है ना कमबस मुझे ना खुला खुला चाहिए था, मुझे और चीजें मैं चाहती थी, जितनी चीजें कम हो चुके हैं कम हो सके उतनी हो। नेक्स्ट जो है ये पता नहीं किसने पैलेट यहाँ रख दिया क्योंकि सिर्फ मैं यूज नहीं करती, मेरी बहनें भी इसमें यूज करती हैं। तो ये सारी ब्रशेज हैं और कुछ पैलेट्स यहाँ रखी हुई हैं, सही है। एंड देन वी हैव मोर पैलेट्स, एंड देन वी हैव मोर पैलेट्स, आई लाइनर्स, वी हैव दीज लिपस्टिक्स और फिर उसके बाद मोर लिपस्टिक्स, एंड देन माय स्किन केयर। तो ये पहली डॉर मिल रहा है ब्रशेज वगैरह, तो ये मैं नॉर्मल यूज का सामान नहीं दिखा रही। ये जो है मेरी ज्वेलरी रखी हुई है इसमें, इसमें और ज्वेलरी है, इसमें मैंने अपने पाउडर्स रख दिए हैं, यहाँ पे मैं जॉनसन बेबी यूज करती हूँ अभी और ये मेरे इयर रिंग्स हैं सारे, ये भी मेरी ज्वेलरी है और नीचे भी मेरी कुछ चूड़ियाँ रखी हुई हैं और ज्वेलरी और थोड़े सनग्लासेस मैंने यहाँ रख दिए थे, फिर मोर ज्वेलरी, एंड इन द लास्ट डोर वी हैव सम यू नो एसेसरीज लाइक फेरी लाइट्स एंड ऑल। और ये है मेरा प्यारा सा बिग बैग, इसको ये अच्छा होता है कि आप ना इसको कहीं भी रख के इसके ऊपर बैठ जाओ, आराम से टीवी देखो, आराम से मोबाइल यूज करो, आराम से गेमिंग करो, तो ये आप मस्ट होना चाहिए हर किसी के रूम में। ऊपर रखा हुआ है मेरा पॉलराइड कैमरा, ये मेरी स्लाइम रखी हुई है और ये दो कैंडल्स रखी हुई है, उनका कहने लगा क्यों ये कैंडल, ये मेरा क्यूट लिटिल परफ्यूम रखा हुआ है, ये टिश्यू बॉक्स, हाफ दिस यू नो मून अगेन मून लैम्प, ये बच्चों का मून लैम्प है लेकिन मुझे आवाज तो मैंने रख दिया क्योंकि इसको बहुत क्यूट क्यूट से इसके अंदर से स्टार्स निकलते हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि इस बच्चे के पास स्लाइम्स क्या कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही कि बिल्कुल यूज नहीं हुए वे स्लाइम्स, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये मुझे शरीर ने गिफ्ट किए थे और जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं, उसके ऊपर एक उंगली भी टच नहीं होने दी किसी की कि कोई मेरी स्लाइम्स खराब ना करे। तो ये था मेरा प्यारा सा रूम, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो बस ये है मेरा रूम टूर और बस इसने प्यार करते हैं, वैनिटी टूअर्स, वार्डरोब टूअर्स, शूज टूअर, ये सारे टूअर्स आपको मेरे जो है ना यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। इंशाल्लाह मैं एक्टिव हो जाऊंगी। और मैंने एक चीज दिखाई नहीं जो कि मैंने बहुत मेहनत से, ये पर्दे ग्रे पर्दे और वहां ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना रोशन दान था मेरे रूम का, तो मैंने इसको भी बंद करवा के इसके ऊपर इस तरह से लगवा दिया। और अभी मैं इसके ऊपर भी जो मुझे चीजें रखनी है वो सब भी आने वाली है बहुत जल्द, लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी यूट्यूब वीडियो की।